चलिए बच्चों, कुछ वेक्टर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव वाई माइनस जे प्लस टू के विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इसमें पहले क्या करना है बच्चों, हम लोगों को ये जो वेक्टर दिया है इसको वेक्टर ए बोलेंगे हम लोग। ओके, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5y माइनस जे प्लस टू के क्या। ओके, इसका हमें क्या करना है बच्चों, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं, राइट। सो 5y माइनस जे क्या प्लस टू के क्या। ओके, अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों, कि अंडर स्क्वेयर रूट कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्वेयर ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे की, इट विल बी 5 स्क्वेयर प्लस माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, वी कैन से दैट। सो दिस इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, सो दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू बच्चों 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, ये बच्चों आएगा अंडर स्क्वेयर रूट 30 आएगा, बराबर है। सो दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, सो रिक्वायर्ड वेक्टर, वी कैन से दैट रिक्वायर्ड वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है बच्चों। तो इसको क्या करना है, दिस इज वी कैन से दैट 8 इंटू कैप ए, सो 8 इंटू 1 अपॉन रूट 30 इन ब्रैकेट 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप आएगा। तो ये क्या आएगा बच्चों, इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 आई अपॉन रूट 30 माइनस 8 जे कैप अपॉन रूट 30 प्लस 16 के कैप अपॉन रूट 30। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर joining point P and Q. So we can say that position vector of P 2, 3, 4। देखिए बच्चों, इसको हम लोग वेक्टर ए बोले, तो इनको क्या करना है, ये 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, then पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू 4, 1, -2। सो लेट अस कॉल दिस एज वेक्टर बी, सो 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k। तो हम लोगों को क्या है कि पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट्स निकालना है। सो पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, ये हमें मालूम है। सो दिस इज इक्वल टू बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2 करेंगे इसको। सो दिस विल बी बच्चों 2i प्लस 4i मींस 6i प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 2 है बच्चों, तो इसको 2 से, इसको 2 से और इसको 2 से डिवाइड कीजिए। This will be 3i cap plus
2j cap plus k cap. So this will be our required vector. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. देखिए बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमारा जो है दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं. दिस विल बी आई प्लस जे माइनस के कैप डॉट आई माइनस जे प्लस के कैप. तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों हम लोग. जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दी कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के एंड ऐड. सो आई डॉट आई इसका वन आएगा बच्चों. ये माइनस वन वन इंटू माइनस वन सो माइनस वन. सो दिस इज इक्वल टू दिस विल गेट कैंसल बच्चों सो माइनस वन बराबर. नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. दैट इज इक्वल टू ये आई जे के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है. वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर दैट इज अंडर स्क्वायर रूट थ्री आएगा बच्चों. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. ये कहां से लिए मैंने. दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के. तो वन प्लस वन प्लस दिस विल बी रूट थ्री. सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मीन्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री. So this is equal to minus 1 upon 3 angle. Okay, this is cos theta. So theta is equal to cos inverse of minus 1 upon 3. So in this way we can calculate angle between two vectors. चलिए बच्चों हम लोगों को अभी यहाँ पर क्या करना है. ये दो वेक्टर दिए हैं एंड वी हैव टू शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू. तो पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे. व्हाट इज वेक्टर ए दैट इज 5y माइनस j कैप माइनस 3k कैप प्लस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k. So this is equal to बच्चों this is 5y plus 1 6i cap minus j. So this will be plus 2k cap minus 3 or minus 5 so minus 8k cap. अभी vector a minus vector b this is equal to 5y cap minus j cap minus 3k cap minus करना है बच्चों इस vector को I plus 3j minus 5k cap. Okay. So this is equal to 5i cap minus j cap minus 3k cap. Minus 1 minus 3 minus multiply kar raha hu. Minus i cap sorry. Minus 3j cap plus 5k cap. So what will be this? ये आएगा बच्चों 4i कैप. ये आएगा माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप. ओके सो दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. अभी देखिए बच्चों दी व्हाट वी हैव टू शो. वी हैव टू शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So two vectors are said to be perpendicular to each other if their dot product is zero. तो इनका dot product निकालेंगे बच्चों. Vector a plus vector b dot vector a minus vector b this is equal to 6i cap plus 2j cap है बच्चों. ये this is ना this is 2j cap minus 8k cap dot 4i cap minus 4j cap plus 2k cap.
तो ये क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों इनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो 24 माइनस 8 माइनस 8 आ जाएगा जो 2 × 4 माइनस 16। तो 24 माइनस 24 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी is perpendicular to vector A minus vector B. Okay. चलिए बच्चों next question देखते हैं। Find the projection. इसका projection निकालना है बच्चों। So we know that, देखिए बच्चों हम लोगों को पता है, we know that projection of vector A on vector B is equal to vector A dot vector B upon magnitude of vector B लेना है बच्चों। ये ध्यान में रखें, projection of vector A on vector B, A dot B upon magnitude of B। तो चलिए बच्चों यहां पे देखते हैं हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे हम लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, व्हाट इज आवर वेक्टर ए? 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप डॉट i प्लस 2j प्लस k कैप है। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए इनका मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 2 क्योंकि i डॉट i1 होता है और i डॉट j i डॉट k वो 0 होता है। सो 2 प्लस 6 3 × 2 = 6 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 10 आएगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना है, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 आएगा। सो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, हमने निकाला है बच्चों 10 अपॉन रूट 6, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन हमें देखना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है हमको बच्चों। ये इक्वेशन दिया है हमको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पर ध्यान रखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर वेक्टर में हमें ये ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। अभी हमें अगेन व्हाट वी हैव गिवन ये हमें दिया है बच्चों, वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर बी। तो ए के बदले में हम लोग 8 इंटू वेक्टर बी होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आए। तो ये 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आएगा। तो देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, 64 माइनस ये, तो ये 63 इंटू वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आएगा। तो वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63।
तो वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 9. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7 आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा. So we have calculated vector B. Now let us calculate here vector A. Vector A is equal to 8 into vector B. B की value हम लोग 8 into vector B. So 8 into 2 root 2 upon 3 root 7. It will be 16 root 2 upon 3 root 7. ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों. क्या क्वेश्चन है हमारा देखिए बच्चों, यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. वेक्टर बी इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. और वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i प्लस j कैप. तो आर ए प्लस लैम्डा इंटू बी इज परपेंडिकुलर टू सी. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये वेक्टर निकालेंगे पहले. तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी व्हाट विल बी दिस बच्चों, 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू, देखिए बच्चों लैम्डा इंटू क्या है हमारा वेक्टर बी, माइनस आर प्लस 2j प्लस के कैप. सो दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देगा बच्चों, तो ये माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2λj कैप प्लस लैम्डा के कैप. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए विल एड कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, तो 2 λ i कैप प्लस 2 प्लस 2λ j कैप प्लस 3 प्लस λ k कैप. नाउ व्हाट इज गिवन कंडीशन, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, सो देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 2 λ i कैप प्लस 2 प्लस 2λ j कैप प्लस 3 प्लस λ k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट है. डॉट सी क्या है हमारा, देखिए दैट इज वेक्टर सी 3i प्लस j इज इक्वल टू 0. इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 3 into 2 - λ i का प्लस 2 प्लस 2λ जे डॉट जे बनाता है बच्चों, बाकी इधर के नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं. दिस इज 6 - 3λ प्लस 2 प्लस 2λ इज इक्वल टू 0. तो दिस इज 6 + 2 = -λ आएगा बच्चों, ये -3λ + 2λ इज इक्वल टू 0. सो -λ इज इक्वल टू -8, लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए वेक्टर ए बी एंड ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स. सो दिस इंप्लाइज बच्चों
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 आएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको. इसके लिए की पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 दिया है. तो इसका हम लोग स्क्वेयर करते हैं बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. क्यों स्क्वेयर करना है बच्चों? क्योंकि इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वेयर आएगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. दिस इज इक्वल टू 0 है ये राइट हैंड साइड. तो ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर है. ये 1 + 1 + 1 + 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. तो बच्चों ये 3 आएगा ये लेफ्ट, तो दिस विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू ये -3 आ रहा है ये और ये अपॉन 2 आएगा. तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर वी कैन से. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दिया है बच्चों. So let us calculate this. So let us solve one more question बच्चों. So, what is our question? Vertices of the triangle are given. So suppose this is a triangle ABC. ये 1 1 1. इसके बाद में B 1 2 3 and C 2 3 1. ठीक है. तो देखिए बच्चों, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी बोले तो हम लोग ऐसा ले रहे बच्चों वेक्टर ए बी राइट. तो ये 1 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 3 - 1 के कैप हो जाएगा. सो व्हाट विल बी दिस? 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप. अब वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी राइट. तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 जे कैप प्लस 1 - 1 के कैप. ठीक है. सो व्हाट इज दिस हियर? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के. सो दिस इज वेक्टर ए सी आएगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी आएगा बच्चों. क्योंकि ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगे बच्चों और ये डायगोनल हो जाएगा. दिस विल बी डायगोनल. ठीक है. ये ऐसा पैरेललोग्राम हो जाएगा. This will be a parallelogram. तो इसको हाफ करना है बच्चों राइट. सो हाफ ऑफ हाफ इंटू देखिए बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी मीन्स ये डिटर्मिनेंट आता है बच्चों. दिस विल बी ए डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट आई जे के कैप कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के ऑफ वेक्टर ए बी ये आएगा 0 1 2. ए सी क्या है? 1 2 और 0. फर्स्ट रो
ये सेकेंड रो ए बी के आई जे के कोएफिशिएंट्स लेना है, और सेकेंड रो ए सी जो वेक्टर है उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स लेना है। तो दिस इज 1/2 इंटू, देखिए बच्चों एक्सपांडिंग अराउंड फर्स्ट रो राइट। तो व्हाट विल बी दिस ईयर बच्चों, आई इंटू 0 माइनस 4 माइनस जे इंटू 0 माइनस 2 प्लस के इंटू 0 माइनस 1 बराबर है। सो दिस इज डिटरमिनेंट, इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे बच्चों, दिस इज मैग्नीट्यूड और ए बी क्रॉस ए सी वो डिटरमिनेंट आ जाता है। ओके सो दिस इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट विल बी दिस ईयर माइनस 4i प्लस j कैप माइनस k कैप। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट 16 प्लस 1 प्लस 1। सो दिस इज 1/2 इंटू, देखिए बच्चों यहां पर माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये प्लस 2 हो जाएगा, तो यहां पे 4 आएगा बच्चों, या अंडर स्क्वायर रूट 21 ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स। देखिए बच्चों एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k कैप। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो दिस इज व्हाट, ये डिटरमिनेंट है बच्चों, तो ये i j k कैप 3 1 4 1 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू i इंटू 1 प्लस 4 माइनस j इंटू 3 माइनस 4 प्लस k कैप इंटू माइनस 3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 5i कैप, यहां पे माइनस 1 आएगा बच्चों, तो ये प्लस 1j कैप माइनस 4k कैप आएगा। ठीक है, सो देखिए बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 5i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप है। सो दिस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 25 प्लस 1 प्लस 16 आएगा बच्चों। तो व्हाट विल बी दिस बच्चों, 26 प्लस 16, सो दिस इज इक्वल टू 42 आएगा बच्चों स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि ये है फार्मूला इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो यहाँ 1/2 है। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बच्चों, इफ ए यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल्स पाई बाय 3 विद आई पाई बाय 4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड द थीटा एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट्स। देखिए बच्चों यहां पर यूनिट वेक्टर ये दिया है, सो दिस विल बी
एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। तो एल मीन्स व्हाट? कोसाइन ऑफ दैट एंगल, दैट मीन्स कॉस पाई बाय थ्री स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय फोर स्क्वायर प्लस यहां पे कॉस थीटा दिया है इज इक्वल टू वन, ये थीटा एंगल। सो कॉस पाई बाय थ्री मीन्स दिस इज वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट टू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सो वन बाय फोर प्लस वन बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सो दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बाय फोर एड आउट। सो दिस इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री मीन्स वन बाय फोर कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन बाय टू। तो एक्यूट एंगल है तो हम लोग प्लस लेंगे बच्चों। दिस इंप्लाइज कॉस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय टू, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री आएगा। ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एल इज इक्वल टू, व्हाट इज एल हियर? वन बाय टू। एम इज इक्वल टू, दैट इज वन अपॉन रूट टू, एंड एन इज इक्वल टू वन बाय टू। सो देयरफॉर कंपोनेंट्स, फाइंड थीटा, वी हैव कैलकुलेटेड दिस थीटा कंपोनेंट्स, दैट मीन्स एल, दैट इज एल एम और एन आई, तो ये आएंगे, तो ये कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इससे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस बी आएगा। तो देखिए बच्चों, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो है, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको अगर हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये जीरो आएगा। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ये सेम है बच्चों, तो ये टू टाइम्स आएगा। सो दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड लैम्डा म्यू इफ दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर दिया है बच्चों। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो बच्चों दैट इज 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर है। जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप प्लस जीरो k कैप, ये जीरो वेक्टर। हम लोग इसका लेते हैं बच्चों डिटरमिनेंट आएगा ये वेक्टर i j और k के, बराबर है 2 6 27 1 लैम्डा और ये म्यू आएगा बच्चों। दिस इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस
जीरो के क्या है। चले बच्चों इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। आई आई कैप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6i कैप माइनस 27 लैम्डा आएगा माइनस जे कैप, तो ये 2μ माइनस 27 आएगा बच्चों, प्लस के कैप ये मल्टीप्लीकेशन 2λ माइनस 6 इज इक्वल टू 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। बराबर है बच्चों, हम लोग इसको लैम्डा की वैल्यू इक्वेट करने के लिए इसके साथ इक्वेट, 2λ माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2λ इज इक्वल टू 6, सो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आएगा। इसके बाद में म्यू निकालना है हमको बच्चों, तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो 2μ माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 2μ इज इक्वल टू 27, म्यू इज इक्वल टू 27/2, सो लेट मी चेक आंसर बच्चों, हाँ बराबर है, ओके दिस इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम लोगों को क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, लेट फैक्टर से बी सी बी गिवन, ये है Then show that ये क्रॉस। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज क्वेश्चन हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ए यूनिट वेक्टर। तो देखिए बच्चों गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट x² + x² + x² आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, 3x², इट इज एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस, वी कैन सी दैट हो गया ना, इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो प्लस और माइनस निकलेगा, सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे यूनिट ये 3 वेक्टर्स दिए हुए बच्चों, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, 2a माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर 3c है, तो 2 इंटू वेक्टर ये क्या है हमारा i प्लस j प्लस k कैप माइनस b, b हमारा क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3 इंटू c i माइनस 2j कैप प्लस k कैप है, तो दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, दिस विल गेट कैंसिल, और क्या बचता है देखिए, दिस इज इक्वल टू 3i कैप 2j 3j माइनस 6 माइनस 3j और k क्या क्या है प्लस 2k कैप। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स यूनिट वेक्टर बच्चों, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इसका यूनिट वेक्टर, लेट अस कंसीडर यूनिट वेक्टर ऑफ दिस इज, सपोज दिस इज वेक्टर डी है, सो डी कैप इज इक्वल टू
वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी आएगा बच्चों, तो ये हमारा आएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4 आएगा। सो दिस इज 1/22 इन ब्रैकेट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, वी कैन से दैट। चलिए बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर पॉइंट, वी हैव टू फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स पी हुज पोजिशन वेक्टर्स आर 2a प्लस वेक्टर b एंड q का पोजिशन वेक्टर है बच्चों ea माइनस 3b एक्सटर्नली दिया है, उस पोजिशन वेक्टर्स आर दिस। तो वी हैव टू कैलकुलेट बच्चों पोजिशन वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू, ये क्या कर रहा है बच्चों 1:2 ऐसा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1:2 दैट इज ये है बच्चों वेक्टर ए माइनस 3b माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 1 माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर 3b माइनस 4 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी अपॉन माइनस 1। दिस इज इक्वल टू बच्चों ये ए माइनस 4b माइनस 3 वेक्टर ए, ये आएगा माइनस 5 वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ये माइनस 1। ये माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ये प्लस 5 वेक्टर बी आएगा, ये बराबर है। तो लेट मी चेक बच्चों, बराबर। चलिए अब हमको क्या करना है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर आर क्यू निकालेंगे बच्चों। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ आर क्या है बच्चों, दिस वेक्टर 3a प्लस वेक्टर 5b प्लस क्यू का क्या है वेक्टर a माइनस वेक्टर माइनस 3 वेक्टर b अपॉन मिड पॉइंट के लिए पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू अपॉन 2। तो ये आएगा बच्चों वेक्टर 4a प्लस वेक्टर 2b अपॉन 2। सो दिस इज 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। देखिए बच्चों 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज नथिंग बट दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ यू कैन से दैट पी, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू